स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। काफ़ी टाइम मेरा इन बच्चों के साथ गुजर जाता है, कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा। इन बच्चों से एक खासा लगाव है, जुड़ाव है, परिवार की तरह हो गए हैं सभी मुझे। और ये यूनिफॉर्म बस एक माध्यम है इन बच्चों से हमेशा जुड़े रहने का। जब भी ये यूनिफॉर्म पहनेंगे इनको हमेशा मेरी याद आएगी। तो बस इन बच्चों के करीब रहना चाहता हूँ हमेशा। और मैं क्योंकि नौकरी करता हूँ बाहर और रिक्शा बहुत कम आना होता है मेरा, लेकिन जब भी आता हूँ हमेशा यहाँ पर आता हूँ और आता रहूँगा। और आप लोगों को भी बस यही बोलूँगा कि ये बच्चे आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं, बस इन बच्चों को आपके समय की बहुत वैल्यू है। वो समय जो आप बाहर देते हैं कभी इन बच्चों के साथ गुजारिए, उनका बहुत अनुका प्रेम है। ये कभी जज नहीं करते आपको, आप सही हैं गलत है, इससे बहुत ऊपर रख के आपको प्यार करते हैं। बस यही बोलूँगा कि आते रहिए, बच्चों को प्यार करते रहिए। जी बाबूजी, शुभ नाम क्या है आपका? मैं नेशनल आर्टिस्ट हूँ, मैं राजभक्त वर्मा जी। नेचर आर्ट म्यूजियम सांची, मैं सांची में मैं म्यूजियम चलाता हूँ। और आज यहाँ की दिशा में जो बच्चों की जो संस्था है जैसा आप चला रहे हैं, इसके लिए मेरा बेटा और इसके दोस्त हैं, ये अपना विदिशा करके एक संस्था चला के उन सबकी तरफ से बच्चों को ड्रेस वितरित कर रहे हैं। ये बहुत ही सहारी है, बहुत ही अच्छा काम है, हम सबको करना चाहिए। और मुझे गर्व है, भगवान ने मुझे ऐसी संतान दी, अच्छे कर्मों पर चल रहा है, अच्छे काम कर रहा है, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। सर, कुछ विदिशावासियों को इस मामले के संदर्भ कुछ मैसेज देना चाहेंगे? विदिशावासियों को, हमारा विदिशा तो वैसे ही बहुत अच्छी धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है, और यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। आज देख रहे हैं आप, कई संस्थाएं चल रही हैं, मानव सेवा न्यास से ले गई बच्चों तक का दुनिया में काम हो रहा है, और इसी तरह सबको काम करते रहना चाहिए। और मैं भी कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ। अभी सांची में 200 पेड़ बांटने वाला हूँ मुफ्त में, तो ये से काम सबको करना चाहिए। आज दिनांक 21 सितंबर को अपना विदिशा कुछ अच्छा करते हैं अनूठी पहल के द्वारा संचालित राजुल दिव्यांगजन उत्थान समिति के अंतर्गत संचालित दीक्षा निकेतन विशेष स्कूल छात्रावास पुराना अस्पताल परिसर विदिशा का दौरा किया, जहां पर जितेश विश्वकर्मा ने अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से सभी दिव्यांग छात्रों को यूनिफॉर्म के रूप में टी शर्ट और लोअर वितरित किए। यह उपहार पाकर दिव्यांग छात्र छात्राएं और उनके परिजन अभिभावकों के चेहरों पर खुशी की चमक देखने लायक थी। अब सभी छात्र छात्राएं एक सामान्य यूनिफॉर्म पहनेंगे और गणवेश में आएंगे। हम आप सबसे ये अपील करते हैं कि इन सभी दायित्वों का समाज सेवा ना मान कर सामाजिक कार्य और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें। इस संस्था का संचालन कर रहे हैं, तो सही कह रहा हूँ, यही नाम है ना। तो और आज जो हम सभी एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में, इसके लिए मेरा बेटा बधाई का पात्र है, उसने मुझे दिल खुला कर मुझे दिखाया है। हालांकि मैं गलत काम करता हूँ, गलत बात है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा बेटा निरंतर इन्हीं कर्मों पर इन्हीं राहों पर चलता रहा है, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। बच्चों के लिए टीम अपना विदिशा कुछ भेंट करने के लिए लाई है, और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं निवेदन करूँगा जितेश भैया से, हमारी पूरी टीम से, अंकल आंटी से, कि बच्चों के लिए जो भी हम लेके आए हैं उन्हें वितरित किया जाए।
ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।